हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडीज लेके आई हूँ, डार्क सर्कल से रिलेटेड। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले चाहिए कच्चा दूध, रॉ मिल्क, बिल्कुल ठंडा। आपको ठंडा ही इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। उसके बाद आपको एक कॉफी का पैकेट लेना है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, नेस्कैफे हो चाहे ब्रू हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास नेस्कैफे इस बार है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ। और आपको तीसरा इंग्रेडिएंट गुलाब जल लेना है। चलिए देख लेते इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉफी की बात करूँ तो कॉफी हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी दोनों के लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी होती है, बहुत अच्छी होती है। ये हमें एनर्जाइज करने के साथ साथ इसमें एक्सफोलिएटिंग और क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये हमारी स्किन को साफ करती है, हमारी स्किन के साफ करने के साथ साथ डेड स्किन को भी रिमूव करती है, और ये हमारी स्किन को एनर्जाइज भी करती है। जैसे आप कॉफ़ी पीते तो आप जैसे एनर्जाइज हो जाते हैं, वैसे ही आपकी स्किन को भी एनर्जाइज बना देती है। तो आपको थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए और आपको ठंडा दूध चाहिए। आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, दही जो दूध होता है इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को नरिश करने के साथ साथ हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करती है। और अगर हम दही की बात करें तो उसमें इंट्राफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, इंटरबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ हाइड्रेट करती है और डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करती है। तो आप दोनों इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा कच्चा ठंडा दूध मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे। देखिए, गुलाब जल को इसलिए हम ऐड कर रहे हैं कि गुलाब जल आपके जो भी आप ये आपका जो आई मास्क तैयार हो रहा है, इसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत रनी नहीं बनाना है इसको। मेरा थोड़ा सा गीला हो गया है तो आपको इसको थिक पेस्ट में ही बनाना है। तो इसको आपको आई मास्क के फॉर्म में इसे यूज़ करना है। इसे यूज़ कैसे करना है आप देख लीजिए। आपके आँखों के ऊपर साइड इसे ऐसे करके और नीचे साइड दोनों साइड पे इसे लगाना है, ठंडा ठंडा ही लगाना है और इसे नेचुरली सूखने देना है। ये आपका एक आई मास्क है। देखिए, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी को कॉफ़ी या और अदर इंग्रेडिएंट्स की मात्रा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी जो कॉफ़ी होगी ये हल्की सी स्टेन आपके थोड़े से डार्क सर्कल पर लगेगा कि जैसे डार्क सर्कल डार्क हो गए, ऐसा नहीं है। आप इसको कम मात्रा में ही बनाएंगे और थिक पेस्ट में बनाएंगे और इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो देंगे। तो ये था आज का DIY। आज आकर आपको ये DIY कैसा लगा, ये जितने भी DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।